अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच बाय आसफा में। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ। ये राजस्थानी फ्रॉक जो कि मैं पहले भी शिफॉन के कपड़ों पे बना चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने आपको इसकी स्टिचिंग वगैरह नहीं दिखाई थी। अब आप पहले इसकी स्टिचिंग देखें, फिर मैं आपको इसकी डिटेलिंग के बारे में बताऊंगी। ये फ्रॉक का फ्रंट है, ऊपर वाली पेटी है इसकी। मैंने इसको इसके लैदा लैदा पीस कर लिए हैं। फ्रॉक का जो फेड़ है नीचे वाला उसको भी मैंने अलहदा कर लिया, और जो ये जो ऊपर वाली पेटी है फ्रॉक की, और इसको भी मैंने अलहदा कर लिया। और अब आप देखें कि मैं इसको कैसे जोड़ती हूँ और कैसे इसकी कटिंग करती हूँ। इसका गला मैंने लंबाई में 3 इंच रख लिया, इसका 3 इंच इसकी लंबाई रख ली, 2 इंच इसकी ऊपर से चौड़ाई रख ली। और इसको यूं करके इसकी गुलाई कर ली है गले की। एम्ब्रॉयडरी वाला इसलिए जरा कटिंग करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा धागे का काम है इसके ऊपर। ये चीज इसकी बन गई, ऐसे जूम करके ये चीज इसकी बन गई। अब मैं इसके ऊपर डोरी मगजी लगाऊंगी पहले। ये देखिए, इसके ऊपर सबसे पहले मैं ये डोरी मगजी लगाऊंगी। अब इसको सबसे पहले इसको डिजाइन करूंगी इस तरह। पहले इसको डिजाइन करती हूँ। ये फ्रॉक की पेटी का ये देखें, ये डिजाइन तैयार हो गया फ्रंट का। और ये जो इसके साथ अंदर की तरफ आएगा ये कपड़ा, ये मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला ले लिया। एक साइड मैंने एम्ब्रॉयडरी वाली ले लिया और एक साइड मैंने फ्लावर वाली प्लेन ले लिया, जो इसके इस तरफ आएगी। और ये देखें अब आप कि मैं इसको कैसे लगा रही हूं। इस पे भी मैंने ये डोरी पाइपिंग लगा ली है। ये हिस्सा इसके अंदर चला जाएगा पेटी के। इसने यूं करके आ जाना, ये यूं। ये हमने इसके ऊपर डबल रखना है, ये इसको आगे बढ़ा के इस तरह से रखना है इसको। कम से कम आप इसको अगर आप चाहें 4-5 इंच ये नीचे से इसको अंदर की तरफ कर लें। पांच इंच इसको अंदर की तरफ कर लें ताकि जब हम ये पहने ये आगे से खुले ना। आप जब भी ये फ्रॉक का पेटी बनाएं सबसे पहले इसका फ्रंट तैयार करें। उसके लिए कपड़ा आपको ज्यादा लेना होगा, क्योंकि इसके आगे वाला जो हिस्सा है हमें ये डबल बनाना होता है।
यहां से भी डबल आएगा और ये इसका जो नीचे वाली ये साइड मैंने जो लैदा से रखी है इसको भी हमने डबल रखना है। ये मैंने इसको अंदर रखने के लिए इसको ये 7 इंच मैंने इसको अंदर से बढ़ा दिया। अब मैंने ये जो डिजाइनिंग की है इसको मैंने पिनअप कर दिया सारा। फ्रॉक की पेटी का बैक नीचे रखी है मैंने और जो फ्रंट है फ्रंट का हिस्सा मैंने ये ऊपर रखा है। इन दोनों को मैंने अब इक्वल कर लेना। ये देखें जो आगे वाली पेटी का एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने उतार दिया और आगे पीछे को पेटी के अगले हिस्से को और पिछले हिस्से को मैंने बराबर कर दिया एक दूसरे से। ये देखें ये सारा बराबर हो गया, पेटी हमारी एक जैसी तैयार हो गई है। अब मुझे जितनी इसकी फिटिंग वगैरह चाहिए अब मैं उसके हिसाब से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें ये फ्रॉक की पेटी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रही है।
अब यहां जहां मैंने इसको पिन अप किया हुआ है, इसे मैं सुई धागे से इसको इसके साथ कपड़े के साथ अटैच कर दूंगी, ताकि जब हम इसको पहने ये अलहदा ना हो जाए। और ये सारा इसको जो ना सुई धागे के साथ ना इसको अटैच कर दूंगी मैं। फेयर की चौड़ाई है 46 इंच एक साइड की। ये मैंने इसको डबल किया, इसकी दो लेयर ना, ये देखिए फ्रॉक के फेयर की चौड़ाई मैंने आपको बता दिया 46 एक हिस्से की। जब आप उसको डबल करेंगे तो वो जाहिर है वो ज़्यादा हो जाएगी। और इसकी लंबाई है 23 इंच। मैंने इसको तैयार कर लिया, इसके फेयर को ये सारा इस तरह इसको इकट्ठा करके, और मैंने इसकी दोनों साइडों पे ये डोरी पाइपिंग लगाई है। देखिए डोरी पाइपिंग लगाई है इसकी दोनों साइडों पे, जो किनारे होते हैं फेयर के, फ्रॉक के फेयर के जो किनारे होते हैं, किनारों पे मैंने ये डोरी पाइपिंग लगा ली है। दोनों साइडों पे लगा के ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया, यूं बन गया ये। और इसको 4 इंच मैंने अंदर करके ये देखिए 4 इंच मैंने इसको अंदर करके यहां से इसको मैंने डबल कर दिया इस तरह से यूं। ये देखिए इस तरह से यूं इसको मैंने डबल कर दिया। ये देखिए इसको डबल करके इस पे मैंने यहां पे सिलाई लगा दी। अब मैं आपको फिर मैंने ये सारी चुनर डाल दिया इसके ऊपर ना, सुई धागे से ये सारी मैंने इसके ऊपर ये देखिए चुनर डाल दी है। ये चुनर डाल लिया मैंने, मशीन से प्लेट नहीं डाले, ये मैंने सुई धागे से इसको सारी ये चुनर डाली है। ये देखिए अब मैं इसको फ्रॉक की पेटी के साथ इसको अटैच करूंगी। अब मैं आपको अटैच करने का तरीका भी बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे अटैच करना है उसके साथ। ये जो मैंने मगजी लगाई है, ये जो सेंटर पे मैंने इसके मगजी लगाई है, ये देखें ये जो मैंने मगजी इसकी पेटी पे भी लगाई थी, जो इसको मैंने डिजाइन दिया था पेटी को, ये मगजी मैंने इसके साथ अटैच करनी है। तो वो देखें मैं किस तरह इसको अटैच करना, तो ये देखें ये जो मगजी है ये मैंने इसके साथ इसको इसके बराबर लेके आना मैंने इसके बराबर ये, फिर ही ये इसका जो डिजाइन होगा ना ये सामने, फिर ही ये इसका डिजाइन नुमाया होगा कि ये डिजाइन बनाओ। और ये हिस्सा जो मैंने इसके साथ अटैच किया डबल करके, इस जगह पे चुनट नहीं डालनी, इस जगह पे चुनट नहीं डालनी, क्योंकि ये इसका डिजाइन फिर नुमाया नहीं होगा बना हुआ कि ये क्या बना हुआ है। इस हिस्से पे चुनट नहीं डालनी, सिर्फ मैंने इसके पूरे फेयर पे ये सारी चुनट डाल दी है। ये देखिए और मैंने इसके बराबर मैंने चुनर डाली है। अब मैं थोड़ी थोड़ी इसके साथ मिला के अब इसकी सिलाई करती हूँ। ये देखिए मैंने ये इसके साथ मिला के ये देखिए, और अब मैं इसकी सिलाई शुरू करती हूँ।
हैं दो ड्रेस एक जैसे, ये देखिए एक बड़ा है और एक छोटा है। गेस करें आप ये किसके होंगे। ये है मेरी बेटी मोमना का और ये मेरी नवासी अनमोल का। ये मैंने दोनों अपनी बच्चियों के एक जैसे सूट तैयार किए हैं। तो चलिए मैं अब आपको इसकी डिटेलिंग के बारे में बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने राजस्थानी फ्रॉक तैयार किया है। इसकी कटिंग तो आप देख ही चुके हैं कि ये मैंने इसको कैसे तैयार किया। ये देखिए ये इसका कट देखिए किस तरह मैंने बनाया, ये देखिए। और इसके ऊपर ये बैंड है और जो ये जो कपड़ा इसके अंदर मैंने फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने इसके अंदर लगाया ना, उस जगह पे मैंने इसको इस कपड़े को अटैच करने के लिए ये टिच बटन लगा दिया और ऊपर इसके मैंने ये नेक लगा दिए, बैंड नेक लगा दिए बना के। और ये सारी मगजी लगाई है, ये देखिए ये सारी मगजी लगाई है इस तरह लगा के। और ये नीचे से जो फ्रॉक है ना, ये देखिए ये सारा ओपन है, जो फ्रॉक का फेड है ना वो सारा आगे से ये ओपन है। और ये सारी इसको पाइपिंग लगी हुई है, तो जो नीचे वाली साइड है ना जो इसका फेड है ना उसपे मैंने ये चोरी चोरी फॉल लगा दी है, पाइपिंग बना के पहले तो इसको चोरी फॉल बना दी है इसके नीचे से ना, ये देखिए इसकी खूबसूरती के लिए। और इसके ये बाजू जो है ये मैंने ये इलास्टिक वाले बाजू बनाए हैं इसके। ये देखिए ये बैग भी सारी इसकी चुनट वाली है, बड़ी बड़ी चुनट है बैग पे भी। और ये जो कपड़ा इसका बचा था ये आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, ये फ्रॉक में से कपड़ा बचा था और उसको मैंने ये ट्राउजर के नीचे लगा दिया। ये सीक्रेट पैंट बनाई है मैंने और इसके नीचे ये देखिए कटवर्क कर दिया सारा, इसके बॉटम पे मैंने कटवर्क कर दिया। और ये इसके अंदर ये जो सीरी लैस आजकल चली हुई है ये मैंने लगा के तो इसको डिजाइनिंग कर दी है। और ऐसे ही ये मेरी अनमोल का ये ट्राउजर है, लेकिन इसके लिए मेरे पास कपड़ा नहीं बचा था ये वाला, इसलिए मैंने इसको प्लेन ही ट्राउजर बना दिया इसका। ये देख ले ये भी ऐसे ही है, इसका भी वो ही डिजाइन है सेम, बहुत प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही क्यूट लग रहा है छोटा सा फ्रॉक, जब ये पहनेंगी तो और भी ज्यादा प्यारी लगेगी वो। इसकी भी देखे यही चीज है सारी। और ये इनके दुपट्टे हैं दोनों के, ये देखे मां बेटी का दोनों का दुपट्टा, और इस पर मैंने ये प्रिंटेड फॉल लगाई है सारी दुपट्टे के ऊपर। और ये नन्ही परी के लिए भी सारा छोटा सा दुपट्टा बनाया और इसपे भी ये फॉल लगा दिया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्टिच बाय आशा के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज।